तस्वीर दिखाइए कि लोग इतने आज जश्न के माहौल नजर आ रहे हैं, तो की इतने की अगली रणनीति है धर्मेंद्र भाई? अब वापसी है आज आप लोगों की, क्या रणनीति है यहाँ से? देखिए आज ये बड़े हर्ष का दिन है। पहले ये घोषणा हुई थी कि जब सारे बॉर्डर खाली हो जाएंगे फिर गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा, क्योंकि लोगों को बहुत दूर तक जाना था, कोई रास्ते में परेशानी ना हो, कोई धोखा ना हो। और आज सब लोग घर पहुंच गए हैं विधिवत रूप से, आज यहाँ से घर वापसी हो रही है। बहुत भावुक पल हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और 383-84 दिन बाद आज सब घर लौट रहे हैं, तो पूरे मतलब एक इंतजार जो है टिकेत साहब का वो पूरे किसान बिरादरी को है। और आज ये मार्च जो है फतेह मार्च यहाँ से चल कर सिसोली किसान भवन तक जाएगा। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो सोशल हारमोनी को इकट्ठा किया है, जो हरियाणा और पंजाब का विषय था, जो जाट और मुस्लिम का या जाट गुजर का या मीणा और जाट का राजस्थान में था, उस सबको समाप्त किया है। और इस आंदोलन ने सिखाया है कि अगर आप धैर्य के साथ लड़ना चाहोगे तो आप जीत सकते हो। ये इस आंदोलन की बड़ी देन है। इसी तरीके से जश्न मनाते हुए जा रहे हैं फिर सिसोली, और सिसोली क्या तैयारी है? अब अगली लड़ाई की तैयारी है सिसोली में जो है, मतलब रास्ते में पूरे यहाँ से वहां तक के भंडारे लगे हुए हैं, लोग लड्डू बना रहे, कोई गुड़ बांट रहा। और ये एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है किसान बिरादरी की। और MSP की जो लड़ाई अभी बाकी है उसके लिए अभी तैयारी है लोगों के मन में, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीर दिखाइए कि लोग देखो इतने किस तरीके से राज जश्न मना रहे ने। तस्वीर ने अमूनन गाजीपुर बॉर्डर नजर आ रही ने कि लोग भंगड़े पा रहे ने, जश्न मनाया जा रहा है। तो सड़क के उत्तरे खिल रहे हुए गुलाब के फुल दसते ने कि अज इत्थे माहौल की है। औरतां महिलावां बच्चे सब इत्थे नचते भंगड़े पाते हुए नजर आ रहे हैं कि 383 दिनों की करीब जी लड़ाई है अज पूरी हो जा रही है। बिल्कुल, जो तस्वीर अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे हैं किस तरह के नाल इतने लगातार हूँ गाजीपुर बॉर्डर भी खाली किया जा रहा है। हालांकि हरप्रीत इतों की हूँ जड़ा है रवानगी हो रही है, लेकिन हाले भी संघर्ष जड़ा है अगे जारी रखने की भी जरूर गल किसान कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यह कहा जा रहा है कि MSP की लड़ाई लड़ी जानी है। तुम तस्वीर होर दिखाई है, इतने तस्वीर देखो कि जेडे किसान देश द्रोही राष्ट्र द्रोही कहा गया वो किसान झंडे ले लैके इतने भंगड़े पा रहे हैं। आज भंगड़े पा रहे हो तुम लोग? देखिए वीरे, आप लोगों का हम धन्यवाद कैसे अदा करें, कैसे आप इस कर्ज को चुकाएगा ये किसान, क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज को पूरे देश को दिखाया है, लेकिन कुछ मीडिया ने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के प्यार से और आप लोगों की ईमानदारी ने इस किसान को आज जिताया। भावुक हो रहे, आंखें नम हो रही है। आंखें तो नम होती है, देखिए अपनों का बिछड़ने का गम भी होता है। हमने 750 किसान अपने खोए हैं, हमें मिला क्या? 750 किसान खोए हमने, 378 दिन खोए अपने एक गलत फैसले पे, केवल एक इस देश के प्रधानमंत्री के गलत फैसले पे हम लोगों ने 378 दिन और 750 किसानों को खोया है। हमें मिलने को मिला क्या है? आगे की रणनीति क्या चीज मिली है? हमें भाईचारा कायम हो गया दोबारा से इस भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हो गया। इन लोगों ने 60-70 सालों से हमें दूर दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इस साल इस एक साल के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया, छत के नीचे खड़ा हो गया, ये हमें मिला है इस आंदोलन। बिल्कुल, औरतें भावुक पल ने, उन्होंने अखा भी नम हो रही ने दसते हुए। तो यह हूँ लड़ाई, क्योंकि कहते हैं कि लड़ाई अगे चलनी है, अगे असी लड़ांगे, MSP की लड़ाई है। 15 जनवरी SKM की एक मीटिंग होनी है, उस अगली रूपरेखा तय की जाएगी। जी जी हरप्रीत, शुक्रिया फिलहाल दी तस्वीर से जानकारी दे।